ओके तो मैं लेकर आई हूँ आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो बेस्ट साइंस क्वेश्चंस, जो आपकी आने वाली कोई भी वैकेंसीज हो, चाहे वो ग्रुप 2 हो, ग्रुप 4 हो, कांस्टेबल हो, आरआरबी, ग्रुप डी हो, एसआई हो, सीटीटी हो, एंड फॉर ऑल एग्जामिनेशन जो कि आपके होते हैं और जिनमें जनरल साइंस के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हमारा थर्ड वीडियो होगा, इसके पहले मैं 2 वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक आपको दिए, तो वहाँ जा करके आप देख सकते हैं, या फिर आप प्ले लिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं। साइंस क्वेश्चंस से एक प्ले लिस्ट है, तो उसको क्लिक करके आप साइंस के क्वेश्चंस देख सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम, एंड एनी डाउट तो प्लीज़ कमेंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का वीडियो। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और साइंस क्वेश्चंस में हम देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टीवी फोन्स, ठीक है, यहाँ पर आपके टीवी फोन्स फैक्स आदि संकेतों के लिए जो प्रेषण होता है उसके लिए भू स्थैतिक उपग्रह का उपयोग किया जाता है, जिसे आप सैटेलाइट भी कहते हैं। ठीक है, सैटेलाइट को हिंदी में कहा जाता है भू स्थैतिक उपग्रह। तो जो हम सैटेलाइट के माध्यम से ही इन्हें हम देख पाते हैं। जिन रंगीन पदार्थों को पेंट में मिलाया जाता है वह कहलाते हैं वर्णक। ठीक है, तो जब पेंट जो हम पेंट यूज़ करते हैं हमारी बॉल्स को पेंट करने के लिए, उनमें कुछ पदार्थ मिलाए जाते हैं जो कि कलर्ड होते हैं, जिनसे कलर आता है, और वो पदार्थ आपके कहलाते हैं वर्णक। ओके, शुद्ध जल पी जो है वो विद्युत का कुचालक होता है। कुचालक का मतलब होता है कि इसमें से जो आपका करंट है वो पास हो सकता है आसानी से। ठीक है, तो करंट आसानी से जा सकता है जो कि बिल्कुल शुद्ध जल होगा। परमाणु बम में अनियंत्रित विखंडन अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, आप विखंडन मतलब हमने पढ़ा होगा आपने 10th क्लास में और आगे भी कि विखंडन होता है अणुओं का। ठीक है, तो विखंडन की प्रक्रिया कहलाती है परमाणु बम। नाभिकीय ऊर्जा के उत्पादन में हानिकारक रेडियोधर्मी विकिरण उत्पन्न होते हैं, जिससे प्रभावित मनुष्य में अनुवांशिक विकृति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, ये पूरा एक ही है। नेक्स्ट है, कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। बहते हुए जल की गतिज ऊर्जा का उपयोग जल विद्युत उत्पन्न करने में किया जाता है। ठीक है, तो जो विद्युत जो बहता हुआ जल है उसको उसमें से जो ऊर्जा निकलती है वो कहलाती है आपकी गतिज ऊर्जा। ठीक है, तो गतिज ऊर्जा का उपयोग किया जाता है जल विद्युत उत्पन्न करने में। बायोगैस का जो प्रमुख घटक होता है वो होता है मीथेन। ठीक है, तो मीथेन होता है, मीथेन का ये रासायनिक सूत्र है CH4। ठीक है, ये मीथेन प्रमुख घटक होता है बायोगैस में, जिसकी वजह से वो एक अजीब सी गंध आती है, वो मीथेन की ही गंध होती है। अभिक्रिया की दर सदैव धनात्मक होती है। जो एक जल में विलय होने पर अथवा पिघली अवस्था में विद्युत संचालित करते हैं वो कहलाते हैं विद्युत अपघट्य। शुद्ध जल का पीएच मान होता है 60। ठीक है, तो जो पीएच मान होता है मतलब जो हमारा बिल्कुल शुद्ध जल होगा उसका पीएच मान होगा आपका 7। ठीक है, तो पीएच होता है जल का 7। तत्वों को धातु और अधातु दो भागों में बांटा गया है। पारा के अतिरिक्त सभी अन्य धातुएं ठोस होती हैं। तो पारा एक ऐसी धातु है जो कि कैसी फॉर्म में पाया जाता है, लिक्विड। पारा लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। एंड थर्मामीटर जो आप यूज़ करते हो, ठीक है, जो हमारा थर्मामीटर होता है उसमें आपने इसको देखा होगा। ठीक है, वे क्या है, एक धातु है। धातुओं से जब धातुएं इलेक्ट्रॉन त्याग कर क्या बनाती हैं, धनायन। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पर त्यागेंगी तो धनायन बनेगा, यानी कि यहाँ पे प्लस पॉइंट आएगा, और जब अधातुएं इलेक्ट्रॉन ग्रहण करती हैं तब वहाँ पे बनता है ऋणायन। ठीक है, तो ऋणायन होता है एक और एक होता है आपका धनायन। हाइड्रोजन सबसे हल्का तत्व है। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है यानी कि H हमारा वो सबसे हल्का तत्व माना जाता है। गंधक क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, मतलब जो आपका गंधक है अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय दोनों रूप में पाया जाता है। गंधक यानी कि आप इसे कह सकते हो सल्फर, और गंधक क्रिस्टलीय रूप में आपने देखा होगा एक येलो रंग का आता है, येलो रंग का जो हम एलिमेंट आप देखते हैं वही गंधक होता है क्रिस्टलीय रूप में और अक्रिस्टलीय रूप में पाया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल है, जो कि सल्फ्यूरिक अम्ल को रसायनों का राजा कहा जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि इसको हम कहते हैं H2SO4। ठीक है, ये इसका रासायनिक नाम है। तो H2SO4 जो है वो किंग ऑफ कहलाता है रसायनों का राजा। अपमार्जक मृदु जल के साथ कठोर जल में भी कपड़े साफ करते हैं। जो आपका PVC है वो विनाइल क्लोराइड का बहुलक है, बहुलक कहलाते हैं आपके। ठीक है, साबुन बनाने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाती है, साबुनीकरण कहलाती है। एसीटोन का जो उपयोग है वो क्या, नाखून पॉलिश के हटाने के लिए किया जाता है। नाखून पॉलिश हटाने के लिए एक वाइट वाटर जैसा लिक्विड आता है जिसमें एक अजीब सी गंध आती है, और जब उसको यूज़ किया जाता है तो एकदम ठंडा ठंडा सा लगता है, वो कहलाता है आपका एसीटोन।
अम्ल के तनु विलयन को सिरका यानी कि विनेगर, ठीक है, विनेगर तो आपने सुना होगा। तो जो अम्ल है, ठीक है, उसका जो विलयन होता है, तनु विलयन, उसको सिरका कहा जाता है। रासायनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक तो आपका कार्बनिक और अकार्बनिक, यानी कि ऑर्गेनिक, ठीक है, जो जो कि हम अभी 12th 11th में पढ़ रहे होंगे, पढ़ चुके हैं, ठीक है। एक होता है आपका ऑर्गेनिक और दूसरा होता है इनऑर्गेनिक, ठीक है। इनऑर्गेनिक मतलब हो गया आपका अकार्बनिक, ठीक है, और ऑर्गेनिक हो गया आपका कार्बनिक। सले गले जो सड़े गले मृत पदार्थों से भोजन प्राप्त करने वाले जीव कहलाते हैं मृतोपजीवी। कीटों को भोजन के रूप में ग्रहण करने वाले जीव कहलाते हैं कीट भक्षी, ठीक है। कीट को खाने वाले कीट भक्षी, मृत को खाने वाले मृतोपजीव। पौधों द्वारा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के द्वारा कार्बन युक्त जो यौगिक बनाने की प्रक्रिया ही कहलाती है प्रकाश संश्लेषण। अमीबा में पिनोसाइटोसिस, ठीक है, अमीबा में पिनोसाइटोसिस विधि द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण होता है। मछलियों में गिल्स के द्वारा श्वसन क्रिया होती है, यानी कि गिल्स के द्वारा वो ऑक्सीजन लेती हैं। केचुए में त्वचा के द्वारा श्वसन नहीं श्वसन होता है, यहाँ पर आपका रहेगा श्वसन, ठीक है, जो है श्वसन जो है वो होता है आपका लेती हैं आपके शरीर के द्वारा, ठीक है। तो श्वसन की जो क्रिया होती है वो केचुए में त्वचा के द्वारा होती है। ऑक्सीजन का परिवहन हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो हमारे रक्त में पाया जाता है, तो हीमोग्लोबिन का काम होता है हमारे पूरे शरीर में ब्लड को, जो हमारा ब्लड है, ठीक है, ब्लड को क्या करना, पूरे शरीर में परिवहन करना। मनुष्य 1 मिनट में 16 से 20 बार सांस लेता है। पौधे प्रकाश संश्लेषण के कारण स्टोमेटा द्वारा गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है। तो स्टोमेटा आप देख सकते हैं हमारे सामने एक ऐसी पत्ती होती है, आपने इस तरह की एक लीव देखी होगी, और जब हम लीव देखते हैं तो उसमें अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें छोटे 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 इस तरह के ये छेद होते हैं, ठीक है, आप देख ही सकते हैं स्मॉल स्मॉल से, ठीक है। ये तो ये जो स्मॉल से हमें ये दिखाई दे रहे हैं, इनको ही कहा जाता है स्टोमेटा, ठीक है, इनको ही कहा जाता है स्टोमेटा। इन्हीं की सहायता से गैसों का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, जो भी गैस आती है, ठीक है, CO2 हो गई आपकी, ठीक है, और बाहर निकालना है उसको ऑक्सीजन, तो ये सब काम किसके द्वारा होता है, ये जो आपकी लीव होती है इसके द्वारा, ये जो लीव है, ये जो पत्ती है, वो ये काम करती है, ठीक है। तो स्टोमेटा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। तो ये हमारे आज के 30 क्वेश्चंस जनरल साइंस, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और यदि पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए, शेयर ज़रूर कीजिए, एंड फॉलो मी इंस्टाग्राम एंड ट्विटर अकाउंट, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल फॉर न्यू वीडियोज़ every day।